हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के गेम प्ले में मैं सोच रहा था कि चैलेंज करूँ चेंजिंग ड्रेस आफ्टर एवरी किल, मतलब कि हर किल के बाद जो एनिमी ने ड्रेस पहनी होगी वो ड्रेस मैं भी पहनूँ। लेकिन कुछ लास्ट में सीन आता है कि ये चैलेंज बदल के कुछ और ही बन जाता है। तो फिलहाल मैं आता हूँ रोजो सामने वाले घर में। मेरे लेफ्ट वाले घर में बंदा था और मेरे को सिर्फ पिस्टल मिली थी, मैं रश कर सकता था, लेकिन भाई रोजो का खो जाता, पता नहीं उसके पास क्या हो। और तो मैं आता हूँ पीछे की तरफ और मेरा डिसीजन भी काफी सही था। और भाई साहब उसको मिल जाती है यूज ही और मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉस बोता, तो फटाफट यहाँ पे मैं बैंडेज मारता हूँ और सही टाइम पे मैंने दरवाजा बंद करा अगर नेड होता। लेकिन फिलहाल उसने फेंका तो स्मोक था, पर अब वो रश कर देता है। मैं क्रॉस बो का शॉट मारता हूँ जो कि मिस हुआ था। अब पिस्टल से देखो कैसे मारते हैं। बेचारा घूमता ही रह जाता, लेकिन मैं सही टाइम पे इसको फिनिश करता हूँ। और भाई साहब इस मैच को मतलब देखते जाओ, ये मैंने लगा रखा है सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैक्सिमम बंदे शुरुआत में मुझे सिर्फ और सिर्फ सोलो मिलेंगे, बाकी देखते जाना। और इससे मैं ड्रेस ले लेता हूँ क्योंकि शुरुआत में यही मिशन करने की ट्राई करता। और मैं आता हूँ ऊपर की तरफ और ये बंदा पता नहीं कहाँ ही भागे जा रहा था, तो इसको फिनिश करते हैं। और इस पर शायद कपड़े भी नहीं थे तो इससे कपड़े लेते हैं। और सामने एक और फुटस्टेप्स आते हैं जो कि बॉट निकलता है और यहाँ पर मैं जायरो शेक सीख रहा हूँ, मतलब पूरा स्क्रीन हिलाता हूँ तो काफ़ी बढ़िया एम जाता है इससे और मैं इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल। और इतने में पीछे जा ही रहा होता हूँ, एक और फुटस्टेप्स आते हैं पहले इसको एक एम से फ्री फायर रखता हूँ और जैसे ही इसका रिलोड आता है तुरंत एफपीपी स्विच करके किल कर देते हैं इजीली। और अब मैं यहाँ जा ही रहा था लेकिन उसी टाइम फायरिंग की साउंड आती है जो कि यूज ही किया है। यहाँ पे मैं सोच रहा था इस पर ओपन से रश कर दूँ, पर मतलब यार अगर ओपन से जाऊँ तो पड़ जाएगी। और जैसे ही मैं कवर में जाता हूँ भाई, कवर में जाते जाते मेरी 1 HP होती है। अच्छा वो मैं ओपन से नहीं गया, तो यहाँ पे तो फटाफट हील करते हैं फिर इसको देखते हैं। अब यहाँ ये बंदा एक गलती करता है, अभी रश करता है, मैं इस पर फायर रखता हूँ और जब तक ये मेरे फायर करता है उसकी यूज रिलोड और मैं तुरंत इसको मारता हूँ। ये बंदा यहाँ पे ये गलती करता है कि जब इसने मुझे डैमेज दिया था तभी इसको रश कर देना था, लेकिन जब तक मैं हील करता हूँ ये थब रश करता है। सो वेल इसको तो यहाँ पे मार देते हैं, फिर इसके कपड़े भी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और स्कूल की तरफ से आ रही थी फायरिंग तो मैं आता हूँ इस तरफ। और भाई मनुष रेड जोन हमेशा मेरे ऊपर पता नहीं क्यों बन जाता है और यहाँ पे देखना भाई क्या होने वाला है। सामने से आती है फुटस्टेप्स, इसको प्यारा सा जैरो शेक देके किल करता हूँ और इसको शायद ऊपर वाला एनिमी मार रहा था तो शायद उसकी किलस चुकी होगी अब। तो अब इस पे रश करते हैं और भाई ये थोड़ा नॉटी प्लेयर था तो देखना कैसे मारते हैं अभी। और आगे शायद इनकी भी फाइट हो जाती है। अब मैं थोड़ी देर भटकता हूँ और फाइनली छत पे आ जाता है और स्मोक भी कर दिया था इसने। अब देखो इसको कैसे मारते हैं, सेम चीज़ करता है वो भी जिगल और क्राउच, लेकिन एम उसका थोड़ा सा कच्चा था जिसके कारण मैं इसको मारता हूँ। और इसके कपड़े भी उठा लेते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे सीरियसली इतनी गाड़ी घुमाता हूँ और बंदे मिल के नहीं देते, तो फाइनली मैं इस तरफ आता हूँ जहाँ पे एक बंदा दिखता है मुझे। डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन कवर से बाहर निकल के नहीं देता। अब मैं इस पे ओपनली रश करता हूँ और देखो जैसे ही आता है तुरंत नॉक कर देता हूँ। अब मैं इसका टीममेट का वेट कर रहा था कि इसका टीममेट आ जाए, लेकिन वो भी नहीं मिल गया था, तो मैं थोड़ी देर अंदर बैठता हूँ और इसका किल मुझे मिल चुका था। और सामने से फिर इसके फुटस्टेप्स आ चुके हैं इसके टीममेट की, मतलब टीममेट की, तो अब देखो इसको कैसे मारते हैं। और ये बंदे को सोच रहा था कि मैं फैन से मार दूँ क्योंकि मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा पास आता तो मैं डर गया था, तो मैं गेम से मारता हूँ क्योंकि अभी पूरा गेम बना नहीं है। और इसको भी जैरो शेक करके मारेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कपड़े लेते हैं। अब फिर इसको मारेंगे फिर इसके कपड़े ले लेंगे।
इसको फिनिश करने के बाद इसके कपड़े उठा के मैं जा ही रहा होता हूँ, लेकिन उतरे में एक फायरिंग आती है जो कि सांप बना है। अब यहाँ पे डर था कि मैं गाड़ी कहाँ रोकूँ, तो मैं थोड़ा धीरे कर लेता हूँ गाड़ी की, कहाँ से फायरिंग आ रही है, और भाई काफ़ी डैमेज दे देता है मुझे। और जहाँ तक है ये अकेला तो होगा नहीं, ये झुंड लेके लेटा होगा। तो जैसे ही मुझे स्पॉट होता है मैं इसको नॉक करता हूँ, और फिर ध्यान भी रखना था। और इतने में एक नेड आता है, तो मुझे पता चल चुका था इसका टीममेट इधर ही की तरह, जो कि सामने लेटा हुआ दिख चुका है मुझे। इसको भी फिनिश करते हैं। अब मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल के इस तरफ आता हूँ इन घरों में जो शेल्टर के आ गई हैं थोड़े, और भाई फायरिंग आने लगती है सामने शेल्टर की तरफ से। और यहाँ पे क्या सीन होने वाला देखो, मैं गाड़ी रोक के सामने वाले पे फायरिंग करता हूँ, यहाँ पे इसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। और उतने में मेरे पीछे फुटस्टेप्स आते हैं जो कि अभी तक नहीं देख रहा था मुझे, अगर बाई चांस से मुझे देख लेता तो मेरा गेम यहीं पर जाया था। तो जैसे मैं इस पर रस करता हूँ नीचे कूद चुका है, यहाँ पे इसको मारता हूँ और सीधा कवर में आता हूँ, क्योंकि भाई पीछे से पागल हो रखे बंदे। और एक गाड़ी और रश करते जो कि इनके स्क्वाड के बंदे नहीं है, और इसको मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ और पीछे पड़ने लग जाती है इतने में। तो फटाफट एक नेट खींच के फेंक ही देता हूँ कि अगर नॉक होगा तो देखा जाएगा। इतने में मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ पूरा। अब यहाँ से देखते हैं इनको, क्योंकि घर में रहता तो, क्योंकि भाई सामने भी एक स्क्वाड है, एक ऊपर बंदे और एक लेफ्ट में जो गाड़ी है ये कोई भी नेट फेंक के मार सकता है। इतने में इन दोनों की आपस में फाइट हो जाएगी, अभी सामने देखते जाओ। और ये बग्घी लेके भी पता नहीं क्या आगे पीछे कर रहा है, और ये सामने बंदा दिखता है जिसका एंगल नहीं मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ इसको, और इतने में लेफ्ट से फुटस्टेप आती है, इसको नॉक करता हूँ और फिनिश भी करता हूँ, हाथ लगे ही। अब मैं थोड़ा लेफ्ट आता हूँ बंदा देखने के लिए, और एक बंदा स्पॉट भी होता है। जैसे इस पर फायर करता हूँ और भाई तुरंत सामने वाला बंदा इसको मार देता है। अब मैं यहाँ पे एक नेट खींचता हूँ ऐसी, और फेंक भी देता हूँ। अब इतने सामने वाली पेटी से थोड़ा एमो वगैरह लूट के अब करते हैं इनके ऊपर रस, और अब आगे फाइट का मजा लो। और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना।